तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं उन्नाव। उन्नाव में पहुंचे हैं किस जगह वो बता देते हैं। आर2 सकते हैं आपके सामने मीटर करते हैं जीरो, ठीक है। उसके बाद में मम्मी को पैसा दिया जाए क्योंकि पहली कमाई है अपनी गाड़ी की। गुड नाइट दोस्तों, आज अपना ब्लॉग नाइट में शूट हो रहा, देख सकते हैं मम्मी उम्मी सो चुके हैं सब और हम चल रहे हैं अभी। दोस्तों आज आप लोग सोच रहे होंगे कि नाइट में वीडियो क्यों शूट हो रहा, तो दोस्तों मैं बता दूं, जैसे अपना सारा पूजा वूजा हो चुका है, यहाँ भी और वहाँ भी गए थे गंगा जी के दर्शन करने, मतलब नहाने धोने उधर, वो भी हो चुका। तो अभी अपनी एक प्राइवेट बुकिंग लगी, अपने सब्सक्राइबर भाई हैं भी, अपने दोस्त भी हैं, तो उन्हीं को उनके कोई रिश्तेदार आ रहे हैं तो उनको चलना है लेने के लिए उन्नाव रेलवे स्टेशन। तो अभी चलते हैं, दोस्त को लेते हैं, गाँव से पिक करते हैं, यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर दूर है दोस्त का गाँव, तो वहाँ से पिक करते हैं उसको और उसके बाद सीधा चलते हैं उन्नाव रेलवे स्टेशन। और उनके जो भी रिश्तेदार हैं कौन है वो तो वहीं जाके पता चलेगा, तो सब बताते हैं, चलते हैं उनको लेके आते हैं। और कितने की अपनी बुकिंग है, सब क्या है, सब कुछ बताएंगे, बस ब्लॉग में बने रहिए। कपड़ा वपड़ा पहनते हैं, फटाफट निकलते हैं। कपड़ा वपड़ा तो पहन लिए, गाड़ी का पेपर ले लिए, पेपर में क्या ही बताएं, अभी तो सिर्फ बीमा मिला है, तो बीमा ही ले लिए, तो शायद में पुलिस वुलिस मिल जाए, नाइट में तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। बीमा ले लिए, अभी निकलते हैं सीधे घर से, सीधा गाड़ी पे, उसके बाद चलते हैं दोस्त के घर। मम्मी गेट बंद है, खुला पड़ा है, चलो बंद कर लो। देख सकते हैं दोस्तों निकल चुके अपने घर से सीधा, भी यहाँ से मात्र 1.5 किलोमीटर है दोस्त का घर, वो चौराहे पे वैसे आ चुका है, तो अभी सीधा चलते हैं उसी के पास मिलवाते हैं। और उसका एक यूट्यूब चैनल भी है, काफी दिन से मुझे बोल रहा है भाई प्रमोट कर दो, थोड़ा बता दो, लिंक डाल दो, तो चलिए आज देखते हैं, अगर बोलेगा तो डाल देंगे। क्योंकि यार देखो उसका जो चैनल है ना वो पबजी की वीडियो डालता है, तो इसलिए नहीं बताया, बाकी ब्लॉगिंग होती तो हम कब का बता दिए होते। तो ठीक है दोस्तों अभी देखते हैं क्या बताता है, तो डाल देंगे उसका लिंक भी चैनल का, जो भी पबजी लवर हैं तो उनके लिए बढ़िया हो जाएगा यार, भाई साथ ही मिल जाएगा, ठीक है। भाई भाई खड़ा है, भाई का गांव है ये अंगनुआ खेड़ा। अरे भैया दोस्त, ओ आशीष भाई, चला जाए, चलो कहाँ चलना, उन्नाव ना। दोस्त यही दोस्त है हमारा जो बोल रहा था काफी दिन से, हमारा चैनल डाल देना भाई, चैनल डाल देना, देख लो तभी बोलेगा भाई, सपोर्ट करो हमारे चैनल को, पापी गेमिंग, पापी गेमिंग, ठीक है भाई डाल देंगे, ठीक है अभी निकलते हैं फिर, है ना। देख सकते हैं हमारे गांव से मात्र 2 किलोमीटर दूर है सिंहपुर, और ये वाला रास्ता भी योगी बाबा सब खुदवा के डाल दिए हैं भाई, मतलब रास्ते का काम ये मान लो कि 90% चालू है हर जगह, जहाँ पे बनी है वो तो बनी है, जहाँ नहीं बनी है वहाँ 90% काम चालू है। यहाँ भी बाबा ने रोड वोड खुदवा के डाल दी, बनने के लिए पड़ी है, अभी जाने में तो प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब बन जाएगी तो भाई साहब जैसे ही बनेंगे वैसे आएगा मजा, क्यों भाई, बिल्कुल एकदम मजा आएगा। तो भाई साहब अभी इसमें धीमे धीमे चले जा रहे हैं, इनके भाई साहब के अभी पता चला, अभी बताया इनके पापा हैं, कहाँ से आ रहे हैं पापा, राजस्थान से, राजस्थान से आ रहे हैं, तो उन्नाव उतरेंगे तो बढ़िया यार, गाड़ी कर लिए हैं और पहली बुकिंग भाई के लेके जा रहे हैं। देख रहे हो हमारे सब्सक्राइबर भी है, हमारे दोस्त भी है, घर के मतलब बगले के हैं 1.5 किलोमीटर दूर, भाई भी है, तो बढ़िया रहा, पर्सनल बुकिंग मिल गई, तो चलिए देखते हैं कैसा रहता है सफर। और गड्ढा गुड्ढा तो बहुत ज्यादा है, देख सकते हैं ये बाबा एक तो रास्ता बहुत खुदवा दे रहे हैं यार भाई। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं उन्नाव, उन्नाव में पहुंचे हैं किस जगह वो बता देते हैं। आरटीओ ऑफिस है, उसके सामने ही सीएनजी का पेट्रोल पंप है, तो पेट्रोल पंप पे आ चुके हैं, रात के भी कितने बज रहे हैं हमारे भाई साहब बताएंगे, बताओ भाई, 12:16 हो गया देख लीजिए, 12:16 हो चुका है, हम लोग अभी सीएनजी यहाँ डलवाते हैं, उसके बाद चलते हैं इनके पापा को लेंगे और फिर इनके घर में छोड़ेंगे, ठीक है। और साथ साथ में आपको ये भी पता चलेगा कि नई वाली जो डिजायर आ रही है इसमें कितने की सीएनजी आती है, फिर वो तो प्रेशर के ऊपर है, कम ज्यादा हो जाता है, और उसके बाद में जब अपना जब टैंक खाली होगा तो कितने की माइलेज देगी वो सब कुछ बताएंगे। उसके लिए क्या करना है, आपको चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा भाई, तभी तो आपको डेली डेली वीडियो मिलेंगे, अपडेट मिलता रहेगा एकदम जेन्युइन वाला। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कितने की सीएनजी आती है, क्योंकि अभी हम अपने हाथों से इसमें तो भराए हैं नहीं, कुलदीप भाई वाले में भरवाए थे लेकिन अभी इसमें नहीं भरवाए, तो ठीक है। तो लाइन लगी वहां पे, अब वो गाड़ी जैसे ही हटती है भाई धीरे में पीछे से हम भी लगा के अपनी टंकी फुल करवा लेंगे भाई, देख रहे हो भाई, रात के 12 बजे भी आपका भाई ब्लॉगिंग कर रहा है, तो कुछ ना कुछ यार सपोर्ट करो भाई प्लीज। तो अभी यहाँ का रेट बता देते हैं अपने सीएनजी का, कहा है भाई का रेट चल रहा है 78 रुपया, 92 ये वाला का है क्या रहे? वो मीटर रीडिंग है। चलो भाई डालो,
हाँ फुल कर दो, और फुल करवाते हैं आपको बताते हैं कितने में फुल हो रही भाई। और प्रेशर देख सकते हैं कितने का है, प्रेशर भाई कितने का है, प्रेशर 200 का है, ये भी देख सकते हैं प्रेशर 200 का है। और 200 के प्रेशर में कितने की आती गैस सब बताते हैं, बस बने रहिए ब्लॉग में। तो दोस्तों देख सकते हैं करीब 600 कितना है 679 की आ चुकी है भाई, हिंदी कमजोर हो रही थोड़ी थोड़ी है ना, प्रेशर तो उतना ही चेक कर सकते हो आप। 679 की आ चुकी गैस, जो कि आई है 7 किलो 39 ग्राम। तो गैस भर चुकी है, भाई को करते हैं पेमेंट, उसके बाद सीधा चलते हैं रेलवे स्टेशन। देख सकते हैं आपके सामने मीटर करते हैं 0, ठीक है। उसके बाद में ए ट्रिप है 668 किलोमीटर चली है, तो इसको हम कर देते हैं 0, ठीक है। अभी जितनी भी गाड़ी चलेगी प्रॉपर पता चलेगी, ये ट्रिप मीटर है मतलब ऑडोमीटर, 268 किलोमीटर टोटल चली है अपनी गाड़ी और ए ट्रिप है 0। तो जैसे ही कि अपनी कितनी गाड़ी चलेगी, जब सीएनजी खत्म होगी, वो आपको हम जरूर अपडेट करेंगे। आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट भाई। अब हम निकलते हैं भाई रेलवे स्टेशन फटाफट, इनके पापा आ गए होंगे का? आने वाले होंगे, बस आने वाले ही होंगे। पहुंच चुका हूँ 9 जंक्शन, करीब रात के भी 12:30 बजे यहाँ पहुंच चुके थे, 1 बज चुका है, अभी तक गाड़ी आई नहीं है और हम लोग क्या वेट ही कर रहे हैं। तो चलते गाड़ी में बैठ के कुछ मूवी वूवी देखते हैं अपना, तो जब आते हैं अंकल जी तब उनको लेके निकलेंगे। अभी क्या कर सकते हैं यार भाई, यहाँ पूरा सन्नाटा पड़ा है, इधर चाय वाय पी लिए आराम से बैठेंगे गाड़ी में, मूवी देखते हैं, कोई समय पास करते हैं। अभी शायद 1:40 का दिखा रहा है ना उन्नाव। तो भाई साहब बीजीएमआई चला चुके हैं, और चैनल का नाम बताओ एक बार भाई अपना, पापी गेमिंग। आप लोग सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा उसको, पापी गेमिंग। तो भैया डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे ना, जो पबजी खेलने वाले हो सब्सक्राइब कर लेना अपना, देखना ठीक है। तो दोस्तों 2:07 हो चुके हैं, बस अभी भी गाड़ी आई है प्लेटफॉर्म पे, और तो भाई साहब गए लेने के लिए, तो अपने मोबाइल में बैटरी बचे 16%, अभी फ्लैश बंद होने वाली है, तो हम सोचे फटाफट वीडियो बना लेते हैं। तो जैसे लेके आते हैं हम लोग यहाँ से निकलते हैं फिर, और अपना घर पहुंच के फिर बताते हैं कितनी देर में पहुंचे, और यहाँ इनसे कितना पैसा लेंगे भैया से सब बताएंगे, ठीक है। तो हो सकता है ये वाला वीडियो सुबह खत्म हो, तो आप लोग देख लेना पूरा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के अभी करीब बज रहे हैं 8, देख सकते हैं आपके सामने, और हम वहां से रिटर्न आ गए थे 3 बजे, मतलब मोबाइल की बैटरी डाउन हो चुकी थी, मैंने आपको बताया ही था। उसके बाद में आए 3 बजे, फिर आके सो गए आराम से। अभी वो वाले पेमेंट भी अपना, मतलब पहले ही बात हुई थी, हमारा दोस्त ही था, तो अपनी पहली बहनी हो चुकी है, जो कि कितने की हुई अभी बताते हैं, उसके बाद में मम्मी को देते हैं। मम्मी मैं बैठी हाथ रगड़ रहे हैं कि पैसा आवे वाला है ना मम्मी। तो दोस्तों देख सकते हैं मम्मी बैठी हाथ मल रही पैसा लेने के लिए, है ना मम्मी। मम्मी को पैसा दिया जाए, क्योंकि पहली कमाई है अपनी गाड़ी की। वैसे तो जो भी खर्चा लगा उसमें सीएनजी उनजी सब अपने पैसे से भरा है, लेकिन जो वहां से मिले ज्यादा मिलते, लेकिन दोस्त था तो चलो बोनी होनी तो कर ही लेते हैं। तो ये भाई साहब ये इतने कुछ पैसा मिले थे लो में। लगा लियो, ये अपनी गाड़ी की पहली बोहनी है। तो दोस्तों आप लोग बुक कर सकते हो जहां जाना है, जो भी आप अपना रेट पता कर लेना, उससे 100 रुपए हमें और कम दे देना, ठीक है। तो जिधर जाने का है बढ़िया से चलो, घूम के आओ, एंजॉय करो, ब्लॉग बनाओ, ब्लॉग सब बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और अपनी गाड़ी को वो मंगाए थे दिखाओ से मानी फटाक दिया, गाड़ी सफाई करने के लिए तौलिया फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर दिए थे एकदम, मतलब स्क्रैच ना है भाई। 2 टॉवल मंगा लिए थे, जो कि करीब पड़ी थी 160 रुपए की। ये देखो अब इनसे देखेंगे क्या, मतलब वो थी स्क्रैच लेस और सफाई वफाई बढ़िया से इनसे होती है, ऐसा उसमें बता रखा था हैंड टेन लान टेन। तो ठीक है दोस्तों, तो अभी गाड़ी वाड़ी साफ वाफ कर लेते हैं अपना, क्योंकि गंदी भी हो चुकी थी, हमारे इधर का हाईवे बन रहा है ना, मैंने दिखाया था, तो इस चक्कर में तो गाड़ी वाड़ी साफ करते हैं। अब देखते हैं दूसरी बुकिंग कब आती है, शायद आज फिर जाना होगा शाम तक। अभी सीट कवर डलवाने जाना है, अभी फोन करते हैं, देखो चलेंगे सीट कवर डालने सब देखने को मिलेगा। तो ये वाला ब्लॉग बस यहीं से एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।